हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका, और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास फिफ्थ का, और चैप्टर है 5। बट हम संज्ञा के विकार देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने देखा है लिंग, वचन, और आज हम देखेंगे कारक। तो आज हम देख रहे हैं कि कारक होता क्या है। अगर हम कारक की बात करते हैं कि कारक होता क्या है, तो सिंपल सी एक डिफिनेशन है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिफिनेशन में क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों में जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम आपको पता चल चुका है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसके संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल है, पहला है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसका संबंध यहाँ पे जो डिफिनेशन है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से। तो जो संबंध है वो कौन कौन करवा रहा है, ने और को, ये इन शब्दों के बीच में जो उसका संबंध बता रहा है वो ये है, राम ने रावण को मारा। तो ने जो है ये संबंध है, और को है जो वो संबंध है, किसके साथ, अन्य शब्दों के साथ। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे। तो पेड़ से, ये जो से है वो अन्य, पेड़ और पत्तों के बीच में क्या कर रहा है, वो उनके साथ संबंध बना रहा है। तो पेड़ से पत्ते गिरे, ये इन दोनों के बीच में एक संबंध है। तो ये इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसके इस उसके साथ ये कारक प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं, जो ये ने है, को है, से है, ये क्या है, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल है कि पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, ये जो पर है ये क्या है, ये कारक चिन्ह है, और यही पेड़ और बंदर के बीच में जो संबंध है वो बता रहा है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे जो डिफिनेशन है उसको ये यहाँ सार्थक करता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। अब ये तो एग्जांपल देगा, अब हम देखेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कारक और 8 प्रकार के। पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये जो 8 हैं वो कारक के चिन्ह कारक हैं, जो कारक के भेद होते हैं, ये 8 भेद कहलाते हैं, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और 8वां होता है संबोधन। तो ये कारक के भेद हो गए, ठीक है। कहते हैं कि कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे बोला जाता है। जैसे पहला है कर्ता, कर्ता ने, दूसरा है कर्म को, करण से के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, और संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हरे। ये जो है कारक है, और ये कारक के चिन्ह है जिन्हें हम जब सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो वो उसके संबंधों को, जो जिसके साथ रहता है वो उसके संबंधों को, ये जो चिन्ह है वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक बार और हम देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे। ये कारक है और ये कारक के चिन्ह है। देखेंगे कि जो हमने कारक चिन्ह यहाँ समझे थे कि कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हरे, इनका हम वाक्यों के कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे करेंगे, इनके जो हमारे कारक है और कारक चिन्ह है उसका सेंटेंस में, वाक्यों में हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो देखें, कर्ता, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब कर्ता में क्या आता है, ने,
तो ये जो हो गया ये आपका ये चिन्ह कर्ता में ने हो गया। ठीक, कर्म, कर्म राम ने रावण को मारा। अब आप यहाँ देखेंगे कि कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, तो यहाँ पे सेंटेंस में को कहाँ है, ये रहा, ये रहा को। करण कविता पेन से लिखती है, कविता पेन से लिखती है। अब करण में चिन्ह कौन सा है, से भी है और के लिए भी है, दो चिन्ह है यहाँ पे, से और के लिए। तो देखिए जरा, कविता पेन से लिखती है, तो यहाँ जो जो से है जो कारक चिन्ह वो यहाँ, और पिताजी चश्मे के द्वारा पढ़ते हैं, तो वहाँ के द्वारा, ये रहा के लिए, के द्वारा, ये रहा। ठीक, अब हो गया संप्रदान। तो संप्रदान में बालिका को फूल दो, संप्रदान में को के लिए, तो बालिका को फूल दो, और दूसरा है के लिए, तो रमा के लिए साइकिल खरीदो, ये रहा के लिए। ठीक, वैसे ही अपादान देखें तो पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान में कौन सा चिन्ह है, से, और क्या, अलग होना, मतलब इसमें जो है जब हम अपादान की बात करेंगे तो इसमें जब हम ये जो से का चिन्ह लगाएंगे तो जब हम सेंटेंस देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसा सेंटेंस में दिखना चाहिए कि वो दोनों के बीच में अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ हम अपादान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अपादान में देखेंगे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये पेड़ और पत्ता इन दोनों से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता जो है अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अलग के संबंध में कहा गया है, तो ये देखिए, ये से अलग के संबंध में, पेड़ से पत्ता गिरता है, क्योंकि से तो इससे पहले भी है, करण में भी है, जहाँ पे कविता ने पेन से कविता पेन से लिखती है, लेकिन वह यहाँ पे इसको क्लेरिफाई किया गया है कि ये जो से रहेगा अपादान में वो दोनों के बीच में अलगाव का भाव दिखाई देगा। ठीक, ऐसे ही संबंध के बारे में देखें तो यह रमेश का घर है, यह रमेश का घर है। अब संबंध में क्या है, का, के, की, ये तीन चिन्ह दिए गए हैं, तो देखिए यह रमेश का घर है, इन तीनों में जब क्वेश्चन आता है कि ये सेंटेंस है, इसमें पता चला लगाइए कि कौन सा कारक चिन्ह है, तो देखिए यहाँ जब संबंध में का, के, की तीनों है, अब इसमें हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमसे क्या पूछ रहा है। अब दीपक के बड़े भाई आए, तो यहाँ का भी हो गया, के भी हो गया, देखिए का, के, तो सेंटेंस में का, के, की तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। वैसे ही अधिकरण में क्या है, अधिकरण में है संदूक से रुपए, संदूक में रुपए रखे हैं, अधिकरण कहाँ है, इसमें क्या चिन्ह है, में और पर, तो में और पर संदूक में, ये देखिए में, ये कारक चिन्ह हो गया, में रुपए रखे हैं और मेज पर किताब रखी है, यहाँ पे एक और चिन्ह है पर, ये देखिए मेज पर किताब रखी है, ये अधिकरण में है। उसी तरह संबोधन में है हे ईश्वर रक्षा करो, तो क्या यहाँ पे संबोधन में है, हे है, देखिए तो हमने यहाँ पे हे, ये संबोधन चिन्ह हो गया। ठीक, अब अरे, तो अरे जरा बात सुनो, यहाँ अरे जरा बात सुनो, तो यहाँ पे अरे क्या है, ये हो गया कारक चिन्ह। तो आपने देखा ये जो हमारे पास ये जो कर्ता, ये सारी जो मतलब कारक चिन्ह, कारक है, कारक चिन्ह है, ये आपको याद होने चाहिए, और आपको अगर याद होंगे तभी आप इन चिन्हों का प्रयोग जब क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये कहाँ पे और कैसे पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कारक चिन्ह आपको याद होंगे तभी आप पता कर पाएंगे कि कौन सा कारक कौन से चिन्ह के साथ है और सेंटेंस में कैसे यूज होगा। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम जान लेते हैं, जो कारक चिन्ह के साथ, जो कारक चिन्ह होते हैं उनके साथ जुड़कर संज्ञा और सर्वनाम पद बन जाते हैं। ठीक है, या पद कहलाते हैं। जब हम संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो कारक चिन्ह जब हम जोड़ देते हैं, जो हमने पढ़ा था अभी कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को, जब ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं तो ये पद कहलाते हैं। ठीक, आपको एक चीज़ है, पद अगर कहीं पद आता है तो आप दिमाग में डालिएगा कि वो पद जो है वो संज्ञा सर्वनाम के साथ कारक चिन्हों के साथ लगता है तब वो पद कहलाता है।
कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। जब हम कारक चिन्ह कहते हैं तो एक और नाम होता है विभक्ति चिन्ह और दूसरा होता है परसर्ग चिन्ह, ठीक है। इसे दो तीन नामों से जानते हैं, तो पहला तो एक हो गया कारक चिन्ह, ठीक है, दूसरा हो गया विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, और तीसरा उसे परसर्ग भी कहते हैं। अगर इन तीनों के नाम से कभी भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो कारक चिन्हों के बारे में ही बात कर रहा है। उसे वो परसर्ग लिख के भी क्वेश्चन पूछ सकता है और फिर वो विभक्ति चिन्ह भी कह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। ऐसे ही कारक वाक्य में अर्थ का विभाजन करते हैं, कारक वाक्य में अर्थ का विभाजन करते हैं। जब सेंटेंस होता है तो उसको हम विभक्ति विभाजन करते हैं, तब जाके उसका कहीं पे अर्थ निकलता है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह जुड़ते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ कारक के चिन्ह जुड़ते हैं, जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी ने, लक्ष्मी को, लक्ष्मी से, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी का, लक्ष्मी में, लक्ष्मी पर, लक्ष्मी हे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कारक चिन्ह जुड़ते हैं, किसी भी उसके संज्ञा या सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह जुड़ते हैं, ठीक है। संज्ञा वो जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम होता है, या फिर सर्वनाम वो जो संज्ञा के बदले हम जो यूज़ करते हैं वो सर्वनाम होता है। तो इनमें जो आता है वो कारक चिन्ह जब हम यूज़ करते हैं तो जो कारक होते हैं उसके हमेशा चिन्ह यूज़ करते हैं। जो जैसा मैंने बताया कि वो लक्ष्मी, लक्ष्मी ने, लक्ष्मी को, ये क्या हुआ, ये कारक चिन्ह हो गया, ठीक। अब वैसे ही एक और चीज़ रहती है, जैसे कारक, जब कारक चिन्ह हो गया, जैसे हम हैं, ठीक, अगर हम हैं तो जैसे हम, हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमें, मतलब हम में, हम पर आदि, ये क्या हो गया, ये कारक चिन्ह है जो आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सेंटेंस वो जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो कारक जुड़ते हैं उनके साथ आप ये विभक्ति चिन्ह या परसर्ग जो ये बोलते हैं उनको आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड। अब ये क्लास फिफ्थ का जो है ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, जिसमें हमने लिंग, वचन, कारक तीनों को देख लिया है और ये संज्ञा के विकार कहलाते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका और ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।